नमस्कार प्रणाम, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल टिक बाई एसपी में। बिहार की आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, ममता, जीविका, रसोईया, इन सभी कर्मचारियों के मानदेय को लेकर के बिहार सरकार के द्वारा बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। जिस खबर को सुन करके बिहार की आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका आप लोगों के चेहरे पर एक अलग ही रौनक देखने को मिलेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नई हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जो है दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि बिहार की आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं से जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले आप सभी कर्मचारियों को देखने और सुनने को मिलेगा। तो लंबे समय से बिहार के कर्मचारियों को जो मांग का इंतज़ार था, जिस मांग को लेकर के बिहार की आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका धरना प्रदर्शन आंदोलन दे रही थी, अब उनको किसी भी प्रकार के डाउट में नहीं रहना है, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा आप सभी कर्मचारियों के हित में एक अच्छी पहल सामने आई है। यानी आप सभी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी पहल सामने आई है, जिसमें आप सभी कर्मचारियों के मानदेय बढ़ोतरी के साथ साथ आप सभी कर्मचारियों को एक निश्चित मानदेय देने का काम बिहार सरकार करने जा रही है। वही बता देना चाहता हूं कि आप सभी आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, ममता, जीविका को बिहार सरकार के तरफ से हर साल यानी एक मुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और साथ ही साथ आप सभी आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का भी लाभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देने जा रहे हैं। अब मानदेय की बात कर लिया तो आशा आंगनबाड़ियों का जो मानदेय होगा वह 18,000 रुपये से लेकर के 22,000 रुपये तक होगा। अब यह ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसमें आपके अनुभव के आधार पर जो है, जिसका ज़्यादा अनुभव रहेगा उसका 22,000 तक होगा, जिसका 2 साल से लेकर अनुभव है तो उन सभी का जो है 18,000 रुपये तक मानदेय बिहार सरकार करने वाली है। रसोईया और ममता जीविका की बात कर लिया जाए तो 10,000 रुपये से लेकर के 12,500 रुपये का मानदेय आप सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।